अभी मौका है मार्च की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का। मार्च की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने से पहले मैं आप सभी को, जिनका पोस्टर बना है, जिनका अभी नहीं बन पाया है, क्योंकि जब मैं सारे पोस्टर दिखाऊंगी तो हो सकता है आप में से कुछ ऐसे साथी होंगे जिनका पोस्टर मिस हो सकता है, तो मैं पहले ही आपसे हाथ जोड़ के विनती कर देती हूँ कि बाई चांस वो मिस हुआ होगा, मैं जानबूझ के वो चीज नहीं छोड़ी हूँ। और कुछ लोगों का पिक्चर अभी नहीं आ पाया था, इस कारण से भी हमने उनके पिक्चर को इंक्लूड नहीं किया है। और कुछ ऐसे भी साथी हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस साथी की अचीवमेंट तो आई बट उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने वो अचीवर्स हैं। मैं और बहुत सारे लोगों का बिजनेस अभी चेक भी नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे कुछ साथी का भी छूटा है, मिसिंग है। तो उन सभी साथी का जैसे जैसे मेरे पास पिक्चर आएंगे तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, लेकिन जितने भी पिक्चर्स मेरे पास आए हैं मैं उन सभी अचीवमेंट को आप सभी के साथ में साझा करना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि हो सकता है आपकी अचीवमेंट आई हो सकती है आपकी अचीवमेंट नहीं आई हो, मार्च के महीने के लिए उतना अच्छा नहीं रहा हो, या किसी भी कारण से, पर्सनल रीजन हो सकते हैं, प्रोफेशनल रीजन हो सकते हैं, रीजन हो सकता है, सिचुएशन ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी यहाँ पे एक नई पिक्चर आए तो आप सोचिए कि आपकी टीम में इतनी अचीवमेंट्स कब आएंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो बड़े बड़े अचीवमेंट्स आते हैं, जैसे इमरॉल लेवल, स्टार इमरॉल लेवल, स्टार पर्ल पर्ल, जब ऐसी अचीवमेंट आती है ना, तो उसको देख के मैं ये विजुअलाइज करती हूँ कि कब ऐसा दिन आएगा कि मैं अपनी टीम में स्टार पर्ल इमरॉल्ड, स्टार इमरॉल्ड की पोस्टर शेयर कर पाऊंगी। और उसके लिए जब मैं वो विजुअलाइज करती हूँ तो मुझे और अच्छी एनर्जी आती है कि अभी मैं तो बहुत काम करना है, तो अभी तो बस शुरुआत है। तो जब आप यहाँ पे भी जो अचीवमेंट आएगी वो सबको देख के ये विजुअलाइज करेंगे तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा, एक अलग एनर्जी, एक अलग एक्साइटमेंट आएगा, और उस एक्साइटमेंट से आपको अप्रैल के मंथ में काम करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो एक एक करके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। पहले आते हैं बिगनर लेवल पे, तो बिगनर लेवल पे जो सबसे पहला नाम है, और बहुत सारी अचीवमेंट आई, मैं एक एक करके करूंगी, जो बाबुरु सर हैं, जो सिद्धिपेट तेलंगाना से है, लगभग 24 to 26 अचीवमेंट सिद्धिपेट से आई है, और ये सबका क्रेडिट कहीं ना कहीं बालाराजू सर को, श्रीकांत सर को, श्रीनिवास सर को और नरसिम्हा सर को जाता है कि आप सभी के नेतृत्व में, और मैं अगर बाई चांस किसी का नाम भूल रही हूँ तो आई एम सॉरी, इन सभी लीडर्स के हार्डवर्क, दिन रात की मेहनत, लीडरशिप के बदौलत इतनी सारी अचीवमेंट्स आई है। पासा सर का बिगनर पिन आया है, और मैं इनकी फैमिली से मिली हूँ, इनकी फैमिली भी उतनी ही डेडिकेट है आरसीएम को लेके, आरसीएम के प्रोडक्ट्स को लेके, और जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है ना तो बहुत बड़ी कामयाबी हमारे पास में आती है। जगरुआ सर है, मैं थोड़ा सा, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं ठीक ठाक बोल पाऊं। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड ये पहला स्टेप है, और सभी लोग बहुत बड़े लेवल पे जाएं। जब ये वाला पोस्टर आया तो मैं बोली कि अरे ये तो बच्चे हैं, बट ये चीज दिखाता है कि हम यूथ भी इस बिजनेस को अच्छे से समझ रहे हैं और हम बहुत बड़े लेवल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पटेल भाई आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और अभी शुरुआत है, हम बहुत बड़ा काम करेंगे। श्रीनिवास सर और मारिया मैडम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और इस महीने में हम सभी लोग स्टार्टर या ओपनर की प्लानिंग करेंगे। किशन सर, रेणुका मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ब्रांड न्यू बिगनर पिन, एंड सर आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं इनको भाई बोलती हूँ, नरसिम्हा सर के भाई हैं जिन्होंने बिगनर पिन अचीवमेंट किया है, और अभी ये शुरुआत है, अभी हम लोग मिलकर बहुत बड़ा अच्छा काम करेंगे। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, और जब टेक्निकली आप बहुत स्ट्रांग होते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। रेणुका मैडम बहुत बहुत बधाई आपको, बोझा सर बहुत बहुत बधाई फॉर बिगनर पिन, रेड्डी सर बहुत बहुत बधाई, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बिगनर पिन, प्रियंका मैडम बेगूसराय बिहार से, और मैं बोलूंगी मैडम के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, और मैडम बहुत बड़ी अचीवमेंट लेके बहुत जल्दी आने वाली है, तो बिगनर पिन के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बड़े लेवल पे आइए, अच्छा कीजिए, और बहुत जल्दी रॉयल्टी लेवल पे आइए। अब्दुल भाई बहुत बहुत बधाई आपको बिगनर पिन के लिए, और ये थोड़ा रिपीट हुआ, कोई बात नहीं। धर्मेंद्र सर आपको बिगनर पिन के लिए बहुत बहुत बधाई, और अभी शुरुआत है, और जो भी लीडर्स है मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी, अगर आपके टीम में बिगनर है, नेभा, जो भी अचीवमेंट आई है, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो पिन अचीवर हैं आप उनको लीडर में लेकर आइए, और उनसे बड़े काम की बड़े काम आप अच्छे से करवा सकते हैं, उनके घर में बड़ी इनकम आप भेज सकते हैं। तो खुशबू मैडम, अखिलेश सर, सर टीचर हैं, और साथ में पूरी फैमिली आरसीएम को समझ के बहुत अच्छा काम करती है, इनकी बिटिया रानी चीजों को समझ रही है, तो मुझे लगता है कि इनकी बिटिया के रूप में बहुत जल्दी हमें एक यूथ लीडर मिलने वाला है। उनकी एजुकेशन जैसे ही कंप्लीट होगी तो हम बहुत अच्छे यूथ लीडर को हम पाएंगे आरसीएम में और अपने टीम में। नंदलाल सर बहुत बहुत बधाई आपको,
रेड्डी, दिनेश रेड्डी सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बिगनर पिन अचीवमेंट। वेंकटेश सर, आपको बहुत बहुत बधाई। सरिता मैडम, और सरिता मैडम से अभी जस्ट मैं 2 दिन पहले मिली हूँ, और मैडम बहुत डेडिकेट होके फील्ड में निकल के अच्छे से काम कर रही है, और इसी के कारण है कि उन्होंने ये अचीवमेंट ली है। और सुनील सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। सुनील सर भाई बहन मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुनील सर, सरिता मैडम, और दोनों मिलके बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। छोटा मोटा विजन नहीं, बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, और इस महीने हम नेक्स्ट अचीवमेंट की तैयारी करेंगे। राजकुमार सर आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर होके यहाँ पे आके बहुत बड़े लेवल पे सोच के विजन के साथ में काम कर रहे हैं। हालांकि मुझे पता है कि सर के पास पैसे की ज्यादा कमी नहीं है, पैसे इनके पास बहुत है, बट एक चीज उनका मिशन था, वो ये था कि हम समाज को हेल्दी बनाएं और समाज को हम आत्मनिर्भर बनाएं। तो इस मकसद से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका मकसद इतना बड़ा होता है ना, तो फिर आपको काम करने में बहुत अच्छा मजा आता है। रामचंद्र सर, आपको बिगनर पिन के लिए, स्टार्टर पिन के लिए बहुत बहुत बधाई, और ये स्टार्टर पिन अचीवमेंट है जो मैं यहाँ से दिखा रही हूँ। तो आशीष सर का और सरिता मैडम का स्टार्टर अचीवमेंट हुई है, राजकुमार सर का स्टार्टर पिन अचीवमेंट हुआ है, रामचंद्र सर का स्टार्टर पिन अचीवमेंट होता है। स्टार्टर पिन टोटल बिजनेस होना चाहिए मिनिमम 40,000 होना चाहिए, 40,000, और जो सेल्फ परचेज और बी लेग मिला के मिनिमम मिनिमम 10,000 होना चाहिए। पर अभी अपने टीम में जो चल रहा है वो 50-50 चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 20,000 20,000 करके अपना 40,000 कंप्लीट करके वो यहाँ पे स्टार्टर पिन अचीवर बन के यहाँ पे होंगे। और ये वाला स्ट्रक्चर आपको बहुत स्ट्रांग बना रहा है, क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल पे जाने वाले हैं। अभी प्रदीप सर, स्वप्न सर, स्टार्टर पिन अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। और श्रीनिवास सर का विद इन ए मंथ में स्टार्टर भी हुआ है और ओपनर भी हुआ है, तो इनका डबल सेलिब्रेशन हम इसलिए भी करना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश में जहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं है, लोकल सपोर्ट नहीं है, वहां से 12 घंटे ट्रैवल करके सर आए थे मीटिंग अटेंड करने सिद्धिपेट में, 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लेके वहां पे होटल में अपना खर्च करके, अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस करके, सब कुछ करके, चूंकि ये विजन है इसीलिए यहाँ पे सर है। तो स्टार्टर भी किए, मतलब कि नरसिम्हा सर और उनकी पूरी टीम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट को कुरियर करती हैं, आंध्र प्रदेश में जाता है तब जाके वहां पे बिजनेस होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास तो स्टोर नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो ये एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं कि जिनको करने का मन होता है ना, वो बहाना नहीं देखते, वो उस चीज को अचीव करते हैं। वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होते हैं। उनको प्रॉब्लम था कि प्रोडक्ट नहीं था, बट वो सॉल्यूशन की तरफ गए, और इसीलिए आज वो ग्रोथ बोनस लेने के लिए ओपनर पिन का अचीवमेंट एक ही महीने में किए, फरवरी में बिगनर किए और मार्च में स्टार्टर और फिर ओपनर किए। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। विष्णु भाई, जब भी मैं सिद्धिपेट गई तो एयरपोर्ट से जाने के लिए जब भी कार में गई तो विष्णु भाई मुझे लेके गए, तो वो लेके जाते हैं, छोड़ने आते हैं। हालांकि हम दोनों की कम्युनिकेशन उतनी नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इशू, बट विष्णु भाई ने इस विजन को, इस एनेटो मार्केटिंग के विजन को समझ के बहुत बड़े स्तर पे भी काम किया है, और वो सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे आएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत जल्दी बड़े अचीवमेंट पे जाएं। तेला सर, आपको भी स्टार्टर पिन के लिए बहुत बहुत बधाई, और बहुत जल्दी बड़े लेवल पे जाइए, बहुत अच्छा कीजिए। और सर का सेलिब्रेशन हुआ था लास्ट मंथ बिगनर में, यस बिगनर में, शायद बिगनर स्टार्टर में, और एक ही महीने में इन्होंने अपना ओपनर करके ग्रोथ बोनस में आए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत अच्छा कीजिए, और आपके पास एक बहुत अच्छा नेटवर्क है, जो नेटवर्क हम यहाँ पे एक बड़े लेवल पे पिन अचीव करने में कर सकते हैं। और मैं बोलना चाहूंगी जितने भी अचीवर्स यहाँ पे हैं, तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बोलने का मौका मिलेगा। आप पूरी टीम से अपने अंदर जो फीलिंग है उसको आप यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है अपने नए अचीवर से मिलने के लिए। तो रंगराजू सर, आपको बहुत बहुत बधाई ओपनर पिन के लिए, और ओपनर पिन में जितने भी लोग आए हैं, आप सभी स्पेशली मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग कंपनी के टर्नओवर में से इनकम लेने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो कंपनी के टर्नओवर से आप अचीवमेंट ले रहे हैं, और श्रीनिवास सर का ओपनर पिन एक ही महीने में हुआ, और अब बारी है ईगल पिन की। तो भूपेंद्र सर और कंचन मैडम, आपको ईगल पिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सर का ऑलरेडी बहुत अच्छा नेटवर्क है ऑल इंडिया में, और उस नेटवर्क को बहुत जल्दी ही हम आरसेम मिला के बहुत बड़ी पिन पे जाने वाले हैं।
सर का विजन छोटा मोटा नहीं है, सर को नेटवर्क मार्केटिंग पता है, विजन पता है, फील्ड वर्क वाले व्यक्ति हैं, इनको स्टोर में बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो सर का अपना पेंट का, तुलसी पेंट का स्टोर है, वहां पे स्टाफ रख के सर फील्ड में निकल के बहुत जल्दी काम करने वाले हैं, और बहुत जल्दी बहुत बड़ी अचीवमेंट सर की आपको दिखने वाली है और एकदम धमाका करने वाले हैं। अशोक सर ईगल पिन लास्ट मंथ ओपनर पिन हुआ था, और इस मंथ एक मतलब लगातार पिन को चेंज किए जा रहे हैं, और ये आपकी लीडरशिप को दिखाता है, और बहुत जल्दी आप बहुत बड़े पिन पे आएंगे। बालाराजू सर आपको ईगल पिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब सिद्धिपेट में हम लोग मीटिंग करने के लिए गए थे तो बहुत सारी मीटिंग की जिम्मेवारी सर पे थी, होस्टिंग करना, चीजों को संभालना, प्लान को दिखाना, सब कुछ किया था सर ने। तो ये जिम्मेवारी अभी से लेना ये दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत बड़ी अचीवमेंट पे आप जाएंगे। एंड श्रीकांत सर, मैं बार बार रिपीट करना चाहूंगी कि जब हम लोग फैमिली मीट किए थे सिद्धिपेट में, तो फैमिली मीट में बहुत सारा काम था, जगह का अरेंजमेंट करना, चीजों को देखना, और वो सारी चीजें सर ने अपने कंधों पे उठा ली थी, और पूरी टीम के लिए। सर ने नहीं देखा कि कौन मेरे अपलाइन आ रहे हैं, कौन डाउन लाइन आ रहे हैं, कौन क्रॉस लाइन आ रहे हैं, सर ने एक भी नहीं था, इतना सारा काम था, सब कुछ था, पर सर के चेहरे पे कोई भी सिकन नहीं थी, खुशी खुशी से पूरी सारी अरेंजमेंट करके सारी के सारी मीटिंग्स हुई थी। और सर ने इस महीने में, पिछले महीने में अचीवमेंट लिए थे रनर पिन का, और इस महीने में सीधे स्टार पिन करके एक सच में हिस्ट्री क्रिएट किया है, कि बस 2 महीने में नरसिम्हा सर ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि 1 महीने में स्टार पिन किया जा सकता है, और जस्ट उनके टीम में श्रीकांत सर ने दूसरे महीने में अपनी स्टार की पिन अचीवमेंट की, और एक नए जगह पे जहाँ पे कोई स्टोर नहीं था, जहाँ पे आरसीएम का कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई वहां पे बड़ी अचीवमेंट नहीं है, एकदम थोड़ा सा नेगेटिव माहौल भी था क्योंकि कुछ लोगों ने करके छोड़ा हुआ था, उस माहौल में एक नया स्टोर ओपन करके जिम्मेवारी को लेके स्टार की पिन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा मतलब अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट के लिए कितना फील्ड वर्क, कितना संघर्ष, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये मैं समझ सकती हूँ। जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने फील्ड वर्क किया है, जिन्होंने ऑब्जेक्शन रिजेक्शन को फेस किया है, वो सभी जरूर पता होगा। तो श्रीकांत सर के लिए स्पेशली आप सभी तालियां बजा सकते हैं कि सर ने बस 2 महीने में स्टार की अचीवमेंट की, और बारी है अब इस महीने की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो अपने टीम में हुई वो है रॉयल्टी का। नरसिम्हा सर ने सच में एक इतिहास रच दिया कि बस 2 महीने में रॉयल्टी करना और लगातार अचीवमेंट लेना, पहले मंथ में स्टार, दूसरे महीने में रॉयल्टी, ये अपने आप में एक पूरे के पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल है क्योंकि इन्होंने सोचा, इन्होंने ड्रीम लिया, उन्होंने गोल लिया, और कहते हैं जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो नरसिम्हा सर, पूरी इंटायर टीम के तरफ से आप सभी को आपको बहुत बहुत बधाई, एंड रेणुका मैडम को स्पेशल बधाई, क्योंकि रेणुका मैडम ने वो सेक्रीफाइस किया है उस अचीवमेंट के लिए। कई बार हम एक नाम लेते हैं, बट उस नाम के पीछे उनकी फैमिली का कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, कई बार हम वो मिस कर देते हैं, बट चूंकि मैं वुमेन हूँ, चूंकि मैं लड़की हूँ, तो मैं घर में रही हूँ, मैं चीजों को देखी हूँ, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे पीछे में मेरी फैमिली कितना सेक्रीफाइस की है। तो उसी तरीके से अगर आप अचीवर्स बनते हैं ना, आपकी फैमिली ने कितना सेक्रीफाइस बिना कुछ जताए उन्होंने कर दिया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी बात है। और रेणुका मैडम की जो सेक्रीफाइस है उसके कारण ही सर का आज गोल्ड का पिन है, और ये छोटा सा पिन है अभी सर के नजर में। जब मैं बार बार बोल रही थी कि सर होगा होगा 2 मिनट में, मैं डाउट कर रही थी सर पे, तो सर बोल रहे, सर सीधे बोल देते, टेंशन ना को मैडम, हो जाएगा। और कई, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे टीम में ऐसे लीडर्स हैं जो मुझे, मैं अप्लाई हूँ पर मुझे बोलते हैं कि मैडम टेंशन मत लो, हो जाएगा, मैडम आप बस आराम से प्लानिंग करो, चीजें करो, कोई टेंशन नहीं है। तो सच में सर, मैं बहुत लकी हूँ कि आपने एज ए अपलाइन मुझे चूज किया, और हम सभी लोग अभी तो शुरुआत है, अभी तो मतलब कहते हैं कि अभी जस्ट हमने सीखा है बिजनेस कैसे करना है, और अभी ऑल इंडिया में जो धमाका हम लोग करने वाले हैं उसकी झलक भी नहीं है अभी। है तो आप सभी अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारा शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से, और हम सभी मिलके बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, आपके विजन के लिए, आपके मिशन के लिए, आपकी अचीवमेंट के लिए, आपकी हार्डवर्क के लिए, आपकी डेडिकेशन के लिए, दिन रात की मेहनत के लिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एट द सेम टाइम मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप सभी जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे आए हैं, पर यहाँ पे रुकेंगे नहीं हम लोग, और बहुत आगे तक जाएंगे।